अरे सच्ची जल गया। अरे ये तो कैंडल की तरह बन गया कुरकुरे। अरे यार वो ग्रीन वाला मटर थोड़ी, मैं तो सोची थी ग्रीन वाले मटर को कोट करा होगा। मेरी तरह मैं भी वैसे बहुत नटखट भूसा 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 खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। मियाओ मियाओ मियाओ। सबसे 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 महंगे स्नैक्स खाना। हाय गाइस, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जो आज का व्लॉग है वो है ट्राइंग एवरी स्नैक्स। कम ऑन लेट्स गो। तो गाइज आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ सस्ते से लेके महंगे तक, इंडियन से लेके इम्पोर्टेड तक बहुत सारे स्नैक्स। एंड ये देखिए गाइज यहाँ पे लग गई है स्नैक्स 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 की पूरी दुकान। एंड गाइज देख रहा हूँ कितने सारे स्नैक्स यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ। एंड आपको वीडियो के एंड में ये बताना है कि इस वीडियो के अंदर मैंने कितने कितने नंबर ऑफ स्नैक्स दिखाए हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलो अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे सस्ते स्नैक्स के साथ। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको ये टगाटर। क्यों आज मैं लग रही हूँ ना एकदम नटखट है। अरे नटखट है, सॉरी ये नटखट, सॉरी मुझे लगा मैं बोलूँगी क्यों आज मैं लग रही हूँ ना एकदम टकाटक। पर गाइज ये तो नटखट निकला, मेरी तरह मैं भी वैसे बहुत नटखट हूँ। और गाइज ये है सिर्फ 10 रुपये का। अरे ये देखो ये तो छोटे 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 तो बॉल्स है इसके अंदर। बॉल्स तो क्या है पता ही नहीं क्या है, सिलेंडर है। हाय बचपन के बाद सच्ची अब खाई हूँ, बड़े गजब के हैं। बट ये ना माइल्ड माइल्ड एकदम ब्लैंड जैसे हैं, हर बच्चों के लिए। हाँ तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी या मसालेदार नहीं है। चलिए अब दिखाऊंगी ये है बीकाजी की सोया स्टिक्स। एंड पता है गाइज ये भी 10 रुपये की है। और ये जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ ना ये मैं बहुत खाती हूँ। ये बनी हुई है सोया की, तो ये सबसे लंबी स्टिक ढूंढ के निकाली है मैंने, ये सोया की। वैसे इसके अंदर ना ये छोटा पैक है ना तो इसके अंदर सारी छोटी 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 स्टिक्स है। अभी देखती हूँ कैसी है मुझे पता है कैसी है। ये जो है ना इसके साथ अगर चाय हो जाती ना तो ओए होए 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 क्या गजब मज़ा आता। ये बनी हुई सोया की एंड ये है एकदम चटकदार स्पाइसी एकदम मेरी तरह। ठीक है अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो अक्सर पता है कौन खाया करता है, जो शरबत विशेष पीते हैं ना लोग, उनके साथ ये जो है बहुत अच्छा है। ये है एक्चुअल इन रियलिटी इसको बोलते हैं चकना। ये है नट क्रैकर, ये भी बीकाजी का है। और ये भी मुझे पड़ा है पता है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का। वैसे 10 रुपये में स्नैक्स बड़े अच्छे आ जाते हैं, मैं देख रही हूँ। ओए होए होए ये देखो छोटा नन्ना मुन्ना। ये जो पीनट्स है ना इसको कोट करा गया है पता नहीं कौन से मसाले वसाले लगा के। नन्ना तो पीनट है ना, ये छोटा ही इसको बेसन से कोट करा। ये इतने ज़्यादा स्पाइसी है कि अगर आपने ज़्यादा खा लिया ना तो आपके एसिडिटी हो सकती है। अब बढ़ते हैं 10 रुपये से ऊपर और अब बारी है 20 रुपये के स्नैक्स की। तो ये देखिए ये है कुरकुरे, टेढ़े हैं मेरे हैं बट ये मेरे हैं। आई थिंक ये कुरकुरे की ही लाइन थी। ये देखो टरू, ये देखो कैसा कैसा अजीब से शेप का ये कुरकुरे निकल कर आया है। ये एक ऐसा स्नैक है ना अब जितना खाओगे उतना आपका मन करता जाएगा, खाते जाओ। पता है किससे बनता है भाई? ये बना है दाल चावल और कौन से, मतलब ऐसा लग रहा है प्लेट में दाल चावल मैंने ऐसे ही खा लिए। एंड इसकी एक और बात मतलब बोलते हैं भाई मुझे नहीं पता, देखो सही है कि इसके अंदर प्लास्टिक आती है। यार चिप्स के अंदर प्लास्टिक कैसे डाल सकते हैं? ये नहीं जला, जला कि नहीं जला? गाइस लाइटर है तो थोड़ा पोपट कर दिया था बट अब मेरे हाथों में आ गए माचिस। अरे वह जल्दी अब चलो कुरकुरे जलाते हो। जलेगा कि नहीं जलेगा? ओ पता नहीं। अरे जल गया। अरे सच्ची जल गया। अरे ये तो कैंडी की तरह बन गया कुरकुरे। हैप्पी बर्थडे टू मी। यार कुरकुरे जल गया। एंड पता है ये प्लास्टिक की वजह से नहीं जला, जो लोग अक्सर बोला करते कि कुरकुरे में प्लास्टिक है। गाइस प्लास्टिक का कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर पता है इसके अंदर है बहुत सारा तेल जिसको खा के आप हो जाएंगे बिल्कुल फेल। सो गाइज अब मैं आपको एक ऐसा स्नैक दिखाने वाली हूँ जो बचपन में मैंने बहुत खाया और उससे बहुत खेला है। टडुंग। वैसे तो गाइज अरे मेरा तो एक स्नैक ही गिर गया गाइज, वापस लगाती हूँ। वैसे तो गाइज ये रिंग्स देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा स्नैक है। ये है क्रैक्स हो जाए। एंड गाइज ये है 20 रुपए का और इसके अंदर एक टॉय भी निकला है। उंगलियों में ना ये क्रैक लगा के खाने में मज़ा बहुत आता है। ये कॉर्न के बने हुए होते हैं और इसका फ्लेवर ना वाकई बहुत ही गजब का होता है। वैसे आप लोगों ने ऐसे बचपन में क्रैक लगा लगा के खाए हैं? मेरे दो कम हो गए, मैं वापस अपने पूरे लगा लेती हूँ, नहीं तो जैसे ये शॉट खत्म होगा ना मेरे क्रैक जो है बट जाएंगे और मेरे को खाने को नहीं मिलेंगे। तो देखो मैंने अपनी मेरी उंगलियाँ मोटी हो गई क्या ये स्नैक्स खा खा के? मेरी एक उंगली में तो स्नैक्स टिक ही नहीं रहा है। 10 उंगलियों में आप में से किसने ये क्रैक्स लगा लगा के खाया? मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना। सो गाइज अब बारी है ऐसे स्नैक्स की जो ना सिनेमा हॉल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और आपने कभी ऐसा रियलाइज़ करा है कि आपकी पिक्चर की टिकट से ज़्यादा महंगे आपको स्नैक्स पड़ गया? उसमें बारी आती है सबसे पहले ये नन्हे मुन्ने भोले भोले से पॉपकॉर्न की, जो अक्सर ना 300-500 रुपए के तो बेच ही देते हैं पिक्चर हॉल के अंदर, बट ये पड़े मुझे सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए के। पैरी पैरी थ्रिलर, ऐसा लग रहा है कोई थ्रिलर पिक्चर देखने जा रही हो, थ्रिलर पॉपकॉर्न खाने वाली। उससे बड़े थोड़े से पॉपकॉर्न हैं पर थोड़े लाल लाल दिख रहे हैं मुझे। ओके भाई ये तो मतलब अभी आपके सामने मैंने पैकेट बोला, ये पॉपकॉर्न पूरे सीमे हुए निकला, मतलब पैरी पैरी का टेस्ट भी कुछ खास नहीं आ रहा है मुझे। मेरे तो 30 रुपए वेस्ट हो गए। इससे अच्छा तो मैं वो जो भैया होते हैं ना ऐसे टंग 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 करते हैं ना, वो 20 रुपए के पॉपकॉर्न दे देते हैं। अब स्नैक्स जो है वो ऐसे आएंगे जिनके साथ में आती है डिप। जी हाँ, चिप्स एंड डिप एंड डिप। सो गाइज ये हेवन ग्रीन्स के चिप एंड डिप जो मुझे पड़े हैं पूरे के पूरे 50 रुपए के। अच्छा 50 रुपए में ये पीटा चिप्स है और चीज़ वाले चिप्स हैं, इसके साथ मैक्सिकन सॉल्सा डिप भी दिए। वाह वाह क्या बात है। अरे ये तो पीटा नहीं लग रहे हैं मुझे, ये देखो ऐसे क्यूट क्यूट से मटरी जैसे पफ लग रहे हैं, पफ। अब आपको क्या करना है, पिक्चर हॉल में पिक्चर देखते देखते ये है आपका पीटा चिप और ये है डिप। इसमें डिप करिए, डिप 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 डिप, और इसको सीधे मुंह में डाल लीजिए। ये मुझे अच्छा लगा है सच्ची, मतलब मुझे लगा था पतले एकदम क्रैकर जैसे चिप्स होंगे, बट नहीं, इनका सालसा भी बहुत अच्छा है। मतलब 50 रुपये मुझे लगता है पैसा वसूल है, बट ये बड़े ज़रा से हैं गाइस। सो गाइस अब बारी है हमारे इंडियन स्नैक्स की जो आपको हर गली हर नुक्कड़ में आपको देखने को और खाने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले सबका चहीता ये है समोसा। गाइस ये मिनी छोटे छोटे समोसे जो मुझे पड़े हैं पूरे के पूरे 50 रुपए के। पता नहीं यार इसके अंदर कितने समोसे आएंगे, इसमें ना तलना है ना घलना है, बने बनाए समोसे हैं। यार ये तो बड़े कम से समोसे दिख रहे हैं मुझे, ये तो मेरे ख्याल से 5-8 समोसे से ज्यादा नहीं होंगे इसके अंदर। ये छोटा मिनी समोसा, ये तो बहुत ही मिनी है, कब करके एक ही बार में मैं खा सकती हूँ। आपको दिखाना है ना अंदर माल क्या भरा है। मसालेदार मसाला इन्होंने भर दिया, देखो मेरा क्या समझ में नहीं आया। ओहो गाइस इसके अंदर इन्होंने दाल भरी है, कोकोनट भरा और एक और कोई चीज़ भरी है एंड स्पाइसेस। मतलब मुझे इसके अंदर दाल और कोकोनट वैसे दिखने को नहीं दिख रहा है, इसके अंदर मुझे सिर्फ दिख रहे हैं और फील हो रहे हैं स्पाइसेस। ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगी गाइस। सो गाइस अगला इंडियन स्नैक है वो है ये प्योर एंड श्योर की चकली। वैसे इसको मैं अक्सर चकरी बोलती हूँ, बट ये है पालक वाली चकरी। क्या है चकली सॉरी। एंड गाइज ये जो स्नैक है ना वो महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर, आई डोंट नो वैसे नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर है कि नहीं। ये मुझे पड़ा पूरे के पूरे 90 रुपए का। ओह माय गॉड, ये तो दिखने में ही मतलब अजीब सी दिख रही है कि मतलब देखकर ही मन आदमी का जो है ना वो खट्टा मुट्टा हो जाए कि ये नहीं खाना है। गाइस इसमें तो बिल्कुल ही मजा नहीं है। तो येलो वाली चकरी तो कितनी अच्छी होती है यार, ये मतलब 90 रुपए मेरे वेस्ट हो गए। पता है ये स्नैक्स खाते खाते मुझे लग रहा है मैं खड़े बढ़ती जा रही हूँ, मतलब मेरा वजन ये बढ़ता जा रहा है। आपको नहीं लग रहा होगा बट मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो चलो भाई अब मैं आपको दिखाऊंगी हेल्दी स्नैक्स जिसको खा के मुझे नहीं लगता मुझे कोई गिल्ट होगा। देखते वाकई ये हेल्दी है या पता नहीं क्या है, वो तो भगवान जाने हेल्दी है कि वेल्दी है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये है मखाना। और ये भाई देखिए ये है सुपर स्नैक्स को बोला। अच्छा ये रोस्टेड है वो भी ऑलिव ऑयल के अंदर। मतलब अभी तक तो मैं और मेरी मम्मी जो है ना देसी घी के अंदर ये मखाने जो है थोड़े से रोस्ट करके उनके पास नमक और काली मिर्च डाल के खाते थे, इतने स्वाद लगते थे। आज इसका टेस्ट करूंगी कि वाकई स्वादिष्ट है या नहीं। और ये मुझे कितने के पड़े? हाय राम, 120 रुपए के। हाय ये देखो पैकेट इतना बड़ा मखाने का, सिर्फ इतने से इसके अंदर देखो कितने कम है, सिर्फ हवा भर दी इन्होंने तो। ओ माय गॉड ये तो बहुत ही कम निकले। दिखने में वैसे अच्छे लग रहे, खाने में पता नहीं कैसे होंगे। चीज़ें कुछ ज़्यादा ही है। और जो चीज़ है ना इनकी मखाने को थोड़ा सा सीमा दिया है। वो जो गैस में कढ़ाई में हम बनाते ना उसमें ज़्यादा स्वाद आता है, मतलब टेस्ट वाइज ओके ओके चीज़। ये हेल्दी के नाम पे ये आजकल मार्केट में जो बहुत पॉपुलर है वो होता है किनुआ। चाहे आप सैलड खा लीजिए, चाहे खिचड़ी खा लीजिए। अब तो देखिए ये किनुआ के पफ बन के आ गए। किनुआ पफ जो मुझे पड़े हैं पूरे के पूरे 80 रुपये के। अब देखो इन्होंने बोला तो है ये हेल्दी हैं और ये हैं भी काफ़ी मसालेदार मुझे लग रहे हैं। इसमें लिखा है ओ फायरी स्पाइसी लिखा है। इसमें देखिए लाल मिर्च के तड़के इन्होंने डाले और राई और नहीं सरसों के तड़के भी लगाया। यार स्वाद में तो ये बड़ा गजब का निकला यार सब्जी, लेकिन महंगा ज़रूर है पर स्वाद में ये किनुआ के पफ वाकई अच्छे। अगर आपके पास बजट नहीं हो ना तो आप 10 रुपये वाले नटखट भी खा सकते हो, वो भी तो आटे के बने हैं। हाँ गुजरात में बनता है चिवड़ा। तो भाई ये देखिए यहाँ पे है मेरे पास रोस्टेड डाइड चिवड़ा। मतलब इसमें पता है क्या बोला है, इस चिवड़े को इन्होंने रोस्ट कर करके उसके ऊपर फस ऑयल का स्प्रे कर दिया। ये सही है, 45 रुपीज़ का ही पड़ा है। ये वैसे लाइट ही दिख रहा है, इसमें ऑयल का नाम और निशान मुझे नज़र नहीं आ रहा एकदम। ये उन लोगों के लिए है जिनको मसाले तीखाट और मसाले कुछ भी पसंद नहीं होते। एकदम फीके से सिर्फ हल्का सा नमक पड़ा है। अच्छा लग रहा है सूखा भूसा खा रही हूँ मैं। भूसा। तो अब मैं खाने वाली हूँ मटर का स्नैक। ये देखिए कॉर्निटोस की है पॉप एंड क्रंच कोटेड पीस। मतलब मटर के ऊपर कोटेड कर दिया है। देखो कितने का, अरे बाप, ये 150 ग्राम गाइस मुझे 145 रुपीज़ की पड़ी है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली एक मटर है मेरे को 1 रुपये की पड़ी है। कितने बढ़िया मटर निकले, ये देखो मटर। और ये तो ये निकला है ये मटर। अरे यार वो ग्रीन वाले मटर थोड़े नहीं, मैं तो सोची थी ग्रीन वाले मटर को कोट करा होगा। ये तो वो है जिससे वो रगड़ा पैटी बनती है। स्वाद तो पूरा है, मसालेदार है, बट फिर भी आपको हिट नहीं करेंगे। एक्चुअली इन सब में मैं बताऊँ ना सबसे अच्छे ये वटाने ही मुझे लगे। और अगर सस्ता वर्जन आपको चाहिए ना तो वो 10 रुपये वाला जो चखना था ना वो भी आप खा सकते हो, वो भी सही था। वैसे गाइस आज मैंने जितने भी स्नैक्स दिखाए हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी स्नैक्स पसंद हो तो इसके लिंक्स ना, इसके अमेजॉन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पे जाइएगा, आराम से क्लिक कीजिएगा और अपने लिए अपने स्नैक्स मंगाइएगा। तो चलिए अब देखिए, अब मैं जो आपको स्नैक्स दिखाने वाली हूँ वो अपने इंडिया के नहीं है, वो बाहर से आए हैं इम्पोर्टेड स्नैक्स की बारी आ गई। तो सबसे पहले जो मैं दिखाऊंगी वो आए हैं सीधे मलेशिया से चल के अपने इंडिया के अंदर। ये है अनियन रिंग्स एंड कंपनी का नाम क्या है, मियाओ। यार मियाओ तो बिल्लियाँ करती है जो मेरे गार्डन में अक्सर मुझे दिख जाती है, बट ये कंपनी का नाम है मियाओ। तो चलो भाई, और ये स्नैक मुझे पड़ा है गाइस पूरा का पूरा 75 रुपीज़ का। वैसे इम्पोर्टेड के हिसाब से ठीक प्राइस है, नहीं तो इम्पोर्टेड स्नैक्स तो बहुत महंगे आते हैं। ये पता है कैसी अनियन रिंग निकली है, ओह ये तो मुझे लग रहा है मेरे क्रैक्स जैसी अनियन रिंग निकली है। इतनी छोटी छोटी रिंग, ये यार अनियन रिंग तो अनियन का फ्लेवर होगा, अनियन इसके अंदर नहीं होगा। देखा मैंने सही कहा था, अनियन का फ्लेवर है इसके अंदर, अनियन नहीं है। मीठा सा है, मतलब स्नैक जैसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है मीठा डिजर्ट खा ली हो मैंने। अब है पार्टी की बारी। पार्टी के लिए मैं लेकर आई हूँ पार्टी स्नैक जो सीधे हमारे इंडिया में आया थाईलैंड से उड़ के। पार्टी स्नैक्स में वैसे बनी बड़ी सारी चीज़ें हैं और ये मुझे लगता है मुझे पड़ा बहुत महंगा होगा, 140 रुपये का पड़ा है गाइस। एंड इसके अंदर ओए होए इसके अंदर तो हरे वटाने दिख रहे हैं और छोटी छोटी पफ दिख रही है। मैं तो हरी मटर खाऊंगी, मुझे पसंद आती है। ये ना इसके अंदर एकदम बैलेंस फ्लेवर है। ये अगर मुझे लगता है मैं बहुत सारे भी खा लूँगी ना तो इंडाइजेशन नहीं होगा या फिर एसिडिटी नहीं होगी, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। एंड ये अक्सर ना इंटरनेशनल फ्लाइट में जाते थे ना तो उसमें देते थे फ्री ऐसे छोटे छोटे डब्बों के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, अब बारी है सबसे महंगे स्नैक खाने की। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे है मेरे पास ये है नट मिक्स है। एंड इसके अंदर पता है आमंड्स हैं, कैश्यू नट्स, रेजिन, क्रैनबेरी, पिस्ता, एप्रिकॉट, फिग्स, वॉलनट्स और ब्लूबेरीज। मतलब 9 तरीके के इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं और ये मुझे पड़ा है पूरे के पूरे 480 रुपये का। वैसे मैं सच बताऊँ गाइस, ये महंगे वाले स्नैक्स खरीद के ना मेरा दिल एकदम धक एकदम मेरा दिल छोटा सा हो गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी और क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम है इनकी। अरे ये क्या, ये तो सादे ड्राई फ्रूट्स निकले, ये क्या हुआ है? अरे इसमें तो कुछ कोटेड ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही सादे ड्राई फ्रूट निकला है। गाइस मतलब इन्होंने मुझे 2000 रुपए किलो की ड्राई फ्रूट दे दी। मतलब काजू बादाम पिस्ता तो ऐसे 1000-1200 रुपए किलो में आ जाते हैं, बट ये तो बहुत महंगे दे दिए और ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इतने महंगे दे दिए। इसमें से मैं ना चुन चुन के ड्राई फ्रूट खाऊंगी। तो सबसे पहले खाती हूँ ये ब्लूबेरी है कि क्रैनबेरी, पता नहीं, ब्लूबेरी है, ब्लूबेरी है। अब इसमें सबसे महंगा क्या दिख रहा है मुझे, चलो यार ये खा लेती है, फिक्स है। एप्रीकॉट है, सॉरी फिर नहीं है। अब यार ये गोल मटोला क्या है, ये क्या है, ये एप्रीकॉट है, आई थिंक ये एप्रीकॉट होगा। इसको खाते खाते कहीं मेरे दांत टक 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 करके बाहर नहीं आते। यार ये तो बड़ा हार्ड निकला है। अब है अब तक का सबसे महंगा स्नैक जो वाकई खरीदने में ना मुझे बेहद अफसोस हो रहा था कि इतना महंगा स्नैक मैं खरीद कैसे रही हूँ। अब बारी है यूएसए से आया हुआ ये चीटोस। ये देखो इसके अंदर तो चीता भी बना है, चीता भी चीटोस खाता है, तो मुझे तो खाने के लिए दिया गया है। एंड पता है कितने का पड़ा है, ये पड़ा है पूरे के पूरे 550 रुपये का। मतलब यार ये बड़ा प्यार से आराम से खाना पड़ेगा क्योंकि महंगा बहुत है ज़्यादा। एंड गाइस देखो इसमें जो चीज़ है लिखा है मेड विद रियल चीज़। इसके अंदर उन्होंने ना कोई चीज़ का फ्लेवर नहीं डाला। ओह अरे ये दिखने में तो कुरकुरे जैसे दिख रहा है। ये देखो वो मेरे 20 रुपए के कुरकुरे क्या बेकार थे जो मैंने 550 रुपये इसके चीटस खरीद लिए। देखो आप तुम्हारा टेस्ट है, अच्छा निकलना, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखो मैं सच बताऊँ इससे अच्छे मेरे कुरकुरे थे, इससे अच्छे मेरे कुरकुरे थे गाइस 20 रुपए के। ये 550 रुपए में चीटा नहीं, ये तो 550 रुपए के चीटो है ना। मतलब फ्लेवर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, थोड़ा सा माइल्ड फ्लेवर है। अगर आप ज़्यादा भी खा लोगे तो आपका पेट वेट जो खराब नहीं होगा। बट हमारे कुरकुरे में क्या गलती है, हमारे कुरकुरे ने कौन सा ऐसा पाप कर दिया कि जो हम चीटोस खरीद के भी लेकर आए। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो भाई इतनी मेहनत करी है, इतना खर्चा करा है, तो एक लाइक तो प्रेस कर देना। बिना लाइक प्रेस करे चले जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। लाइक करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलो अब मिलूंगी मैं अगले फ्राइडे, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप ग्लोइंग। अब जा रही हूँ चीटोस खाने, बाय। मैं अपना चीटो नहीं दूंगी, मैं अपना चीटो नहीं दूंगी। अच्छा लो मैं दे देती हूँ आपको, देती है छोटा, ये लो, ये देखो एक ले लो, जब तक खाओगे तब तक मैं 2-5 तो खा ही लूँगी। बेकार है ना, बोला कुरकुरे।